वेलकम टू माय ब्लॉग्स गाइस। इसमें मैं दिखाने वाला हूँ मेरा ट्रैवलिंग इंडिया टू ओमान मस्कत एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट, अभी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं मुंबई एयरपोर्ट। गाड़ी तेरा भाई चलाने वाला है, इसमें कोई सीन नहीं बिकॉज ओला से बुक किया गया ये गाड़ी। तो मैं पहुंच चुका हूं मुंबई एयरपोर्ट। भाई मैं रहता हूं एटीट्यूड में, भले कोई पूछने वाला ना हो हमको। अदर कंट्री जाने के लिए प्रोसेस रहता है, मैं बताता हूं उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है। आप जैसे ही अंदर आओगे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इन होएगा, उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, देन उसके बाद फिर इमिग्रेशन होता है, देन उसके बाद आप जा पाओगे वहाँ पे बोर्डिंग के लिए। मेरा सब हो चुका है, मैं उड़ने वाला हूँ अब आसमान में। फ्लाइट्स नेम ओमान एयर। अंधेरी सबका व्यू देख सकते हो आप यहाँ पे, अंधेरी एंड बांद्रा आल्सो। तो कितना बेहतरीन लग रहा है यार, अमेजिंग यार। ऐसे सब नहीं बोलते मुंबई में रहने वाला, मुंबई मेरी जान। व्यू देख रहे हो कितना बेहतरीन लग रहा है, सी फेस। इंडिगो सब फ्लाइट में भी ये सब प्रोवाइड करो तो अच्छा रहेगा यार, बिकॉज दो तीन घंटा ट्रैवल करना बोले तो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी देखो ओमान एयर में ये प्रोवाइड किया है तो मतलब ईजिली टाइम पास हो जाएगा इसमें। बहुत अच्छा लगा मेरे को ओमान एयर, और फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छा है इसमें। मैं मूवी देखा इसमें, फुल मूवी देखा मैंने, द मैन फ्रॉम टोरंटो। बहुत अच्छा मूवी लगा, एक्शन मूवी है। इकोनॉमी में भी वीआईपी टाइप का ट्रीटमेंट टाइप लग रहा है, बिकॉज क्या है ना सबके पास मतलब टैप टाइप का है ना, तो बिल्कुल मतलब समथिंग डिफरेंट। यहाँ वाला सीन ना बहुत अच्छा लगा था, मतलब द मैन फ्रॉम टोरंटो का ये वाला सीन बहुत ही बेहतरीन, मतलब यूनिक टाइप लग रहा था। बिरयानी दिया था, पेप्सी दिया था, ये थोड़ा छोटा सा केक भी दिया था, वो खा चुका हूँ मैं। विंडो सीट मिलने का एक अलग ही मजा है यार, कुछ अलग ही वाइब है सच में। विंडो सीट मेरा नहीं था, मैंने किसी को रिक्वेस्ट करके ले ली थी, भाई दे दो। बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं देखो ओमान, बिकॉज देखो ऊपर से दिख रहा है। पहुंचने के 10-15-20 मिनट वेट कराते हैं, देन उतारते हैं आपको, तो आप मतलब जल्दीबाजी मत किया करो इसमें। तो पहुंच चुका हूँ भाई मैं ओमान, ये देखो हमारा स्टाइल। यस भाई हेवी लग रहा हूँ, देख रहे हो ना, मतलब कुछ अलग ही लग रहा हूँ मैं। लेट्स फन गाइस, मजे करना है बस जिंदगी में, पैसा बहुत है अपने पास। अभी आने वाला है मेरा ट्रोली, मैं वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट से पिछले वेट कर रहा हूँ। लगेज आने वाला है मेरा, आजा भाई आजा आजा, जल्दी से आजा भाई, बुला रहा हूँ। लास्ट वन मेरा ही लगेज है ये वाला। तो रिसीव कर चुका हूँ मैं अपना लगेज ट्रोली। थोड़ा सा मस्कत एयरपोर्ट का भी मतलब मज़ा, मतलब देखते हैं व्यू कैसा है क्या है नहीं। यहाँ ये बैठने के लिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, कुछ डिफरेंट स्टाइल। तो मैं अभी जा रहा हूँ वेटिंग एरिया बैठने के लिए। तो ये सब है यहाँ पे वेटिंग एरिया, मतलब बैठने के लिए, जो भी मतलब वेट कर रहे हैं फ्लाइट के लिए या फ्लाइट लेट है आपका, ये सब। लाइटिंग वगैरह बहुत यूनिक लग रहा है, समथिंग यूनिक। बहुत सारे लोग बैठे भी हैं, बहुत सारे लोग देख सकते हो आप।
हाइट्स वगैरह बहुत डिफरेंट लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। एयरपोर्ट में ही आपको सिम वगैरह मिल जाएगा, और रीडो या वोडाफोन रेना यहाँ पे ये सब चलता है। यह है लगेज एरिया जहाँ पे हम लोग रिसीव करते हैं। बहुत सारे काउंटर है, 1, 2, 3, 4, 10 नंबर तक काउंटर है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ मिल जाते हैं, जैसे रेंटल कार हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, पेमेंट एक्सचेंज करना हो, या सिम वगैरह लेना हो तो मिल जाता है एयरपोर्ट पे सर। दिस इज द एयरपोर्ट, कतर एयरपोर्ट, नो नॉट कतर एयरपोर्ट, दिस इज मस्कत एयरपोर्ट। लास्ट टाइम मैं कतर गया था इसीलिए याद है कतर एयरपोर्ट। ये पेड़ जो है आर्टिफिशियल लगा हुआ है, वो मतलब टेम्पररी है, बट अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हो आप P2 एयरपोर्ट का बिल्डिंग, पार्किंग वगैरह एरिया है, बहुत बड़ा पार्किंग वगैरह एरिया है, बड़ा बिल्डिंग, अच्छा खासा बड़ा है ये मतलब एयरपोर्ट। तो गाइस, ओमान का और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, मैं मतलब अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों, जहाँ जहाँ मैं एक्सप्लोर करूँगा ब्लॉग डालने वाला हूँ उसका।